नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम का एक प्रोग्राम बनाकर देखा था, जिसमें हमने दो नंबरों का एडिशन देखा था। उस प्रोग्राम में हमने यूज़र से कोई इनपुट नहीं लिया था, हमने पहले ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी थी और उसका एडिशन हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ था। आज के प्रोग्राम में हम आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र से इनपुट लेंगे और उनका सम हमारी स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर पहले जो हमने किया था, हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे फिर से, एच इंक्लूड कॉनियो डॉट एच एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन हम लगा देंगे void main। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर में, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन हम वेरिएबल ले लेते हैं और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले एक मैसेज हम आउटपुट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन होता है printf। printf फंक्शन का हमने यूज किया। printf enter the value ऑफ ए, हमने यूजर से ए की वैल्यू इंटर करने के लिए कहा है। अब इसको हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा scanf। scanf फंक्शन के द्वारा हम इसको स्कैन करवाएंगे यूजर से, परसेंटेज डी एम परसेंट का साइन लगा के ए। इसी तरह से यूजर से हम दूसरी वैल्यू भी इंटर कराएंगे, printf enter the value of b। इसको भी हम स्कैन कराएंगे scanf फंक्शन के द्वारा। परसेंटेज डी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, एम परसेंट का साइन बी। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे c इक्वल टू a प्लस बी और इसको हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। सम ऑफ द टू नंबर इज परसेंटेज डी सी। देन गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे, तो अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे अल्टर के साथ F9 के साथ। एक एरर आ रही है, देख लेते क्या एरर है। डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्टली, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया है इसकी वजह से ये एरर है। अब एरर हमारी हट गई है, आप कंट्रोल F9 के साथ हम इसको रन कराएंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू हमने इंटर की है 4। इंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हम इंटर कर देते हैं 6। तो सम ऑफ द टू नंबर इज 10, हमारा आउटपुट आ चुका है। पिछले प्रोग्राम में हमारा जो आउटपुट था वो एक स्क्रीन एक लाइन नीचे था, क्योंकि हमने स्लैश एन का यूज़ किया था। इसमें हमने कहीं भी स्लैश एन का यूज़ नहीं किया है। अब हमारा जो हमने क्लियर clr str फंक्शन यूज़ किया है, इसका क्या यूज़ है? यदि हम clr str फंक्शन यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं, एरर तो कोई भी नहीं आएगी और कंट्रोल F9 के साथ प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। लेकिन इससे होगा ये कि जो पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था आउटपुट वो मिटेगा नहीं। clr str क्लियर स्क्रीन, इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ए की वैल्यू हम देते 12, बी की वैल्यू देते 12
तो आउटपुट हमारा जाएगा 24। इसलिए CLR SCR फंक्शन का हम यूज करते हैं। यदि आप यूज रन कराएंगे प्रोग्राम को तो पूरी स्क्रीन क्लियर रहेगी, इसलिए CLR SCR फंक्शन का हम यूज करते हैं। और जो हमारा गेट CH फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? यदि आप गेट CH फंक्शन यहाँ पर नहीं लगाएंगे और कंपाइल करके रन करेंगे प्रोग्राम को, तो जैसे ही वैल्यू लेगा 3, दूसरी वैल्यू आपने डाली 4, और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट देने के बाद तुरंत प्रोग्राम आपका आउटपुट स्क्रीन हट जाएगी। इसलिए गेट CH फंक्शन का यूज किया जाता है ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन रुक जाए जब तक कि आप इंटर ना दबाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से यूजर से इनपुट लिया जाता है और क्या यूज है गेट CH और CLR SCR का। धन्यवाद।